और क्रिस उस कंपनी में काम करता था। एक दिन उसने अपने फैमिली की लाइफ टाइम इनकम से बहुत सारे स्कैनर खरीद लिए। उसने सोचा था कि इससे उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा और उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि डॉक्टर उसकी ये महंगी मशीन खरीदने की बजाय एक्सरे मशीन लेना पसंद कर रहे थे, जो कि सस्ती भी थी और अच्छी भी थी। क्रिस के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका था। वो खुद ही डॉक्टर के पास और हॉस्पिटल जाके स्कैनर बेचता था। अगर उसने एक महीने में दो स्कैनर नहीं बेचे तो उसके 5 साल के बेटे, वाइफ और घर का बेसिक खर्चा भी पूरा नहीं कर पाता था। अब घर चलाने के लिए क्रिस के वाइफ को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि 3-4 महीनों से क्रिस ने एक भी स्कैनर नहीं बेचा था। कर्जा सर पे था और 3 महीने से घर का रेंट भी नहीं दिया था। ऐसा लगने लगा था कि स्कैनर बेचने से कुछ नहीं होगा। फिर एक दिन क्रिस ने एक आदमी को फरारी से उतरते देखा। सूट बूट पहने उस आदमी को देख क्रिस से रहा नहीं गया और उसने उसको रोक के पूछा, एक्सक्यूज मी सर, आप क्या काम करते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया कि इस सामने वाली बिल्डिंग में मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ। क्रिस ने उस बिल्डिंग से निकलते हुए लोगों को देखा। उसने देखा कि वो लोग कितने खुश थे और सोचा, मैं इनकी तरह खुश क्यों नहीं रह सकता। और फिर क्रिस ने फैसला कर लिया कि वो भी एक स्टॉक ब्रोकर बनेगा और उसी दिन उसने उस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। एक दिन शाम जब वो अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी वाइफ सब कुछ पैक कर रही थी, वो घर छोड़ के जा रही थी। क्रिस ने कहा, तुम ऐसे नहीं जा सकती, हिम्मत रखो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी वाइफ नहीं मानी। वो डबल शिफ्ट करके थक चुकी थी और जान चुकी थी कि क्रिस के साथ अब उसका कोई फ्यूचर नहीं है। क्रिस के काफी कहने पे भी जब वो नहीं मानी तो क्रिस ने रोते हुए कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। यह सुन उसकी वाइफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ठीक है क्रिस, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम क्रिस्टोफर यानी हमारे बेटे का ख्याल रखोगे, पर मुझे जाना होगा, अलविदा कह के क्रिस की वाइफ वहाँ से चली गई। क्रिस के लिए मानो बुरे दिन खत्म ही नहीं हो रहे थे। अगले दिन वह अपने घर को पेंट कर रहा था और उससे अगले दिन उसे स्टॉक ब्रोकर के इंटरव्यू के लिए जाना था। इसके लिए उसने पहले से ही अप्लाई किया हुआ था। घर पेंट करते समय उसके हाथ पैरों पे पेंट लगा हुआ था और उसने बेकार से कपड़े पहने थे। अब एक कार पार्किंग चालान ना भरने के कारण उसके घर पुलिस आ गई और उसे उसी हालत में पुलिस स्टेशन ले गई। नेक्स्ट डे उसका इंटरव्यू था। जैसे तैसे अगली सुबह क्रिस पुलिस से छूटा और पैदल भागता हुआ उसी हालत में इंटरव्यू देने चला गया। इतनी बड़ी कंपनी में सभी लोग हैरान थे क्योंकि इतनी बुरी हालत में आज तक उस कंपनी में कोई नहीं आया था। इंटरव्यू में उसने बोला कि सर, मैं आधे घंटे से बाहर बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि ऐसी क्या कहानी बनाऊं जिससे आपको बता सकूं कि मैं ऐसी हालत में क्यों आया हूँ, पर ऐसी कोई कहानी नहीं है मेरे पास। और उसने सच बता दिया कि वह पुलिस स्टेशन से सीधा आया है। क्रिस इंटरव्यू में ऑलमोस्ट फेल था, पर क्रिस ने पूछा, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? इंटरव्यूअर ने कहा, हाँ बोलो। क्रिस ने कहा, मैं इस तरह का इंसान हूँ जिससे आप कोई भी सवाल पूछेंगे और मुझ पे जवाब नहीं होगा तो मैं सच ही बोलूंगा कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं उसका जवाब कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा, क्या ये काफी नहीं है? थोड़ी देर के लिए सब चुप हो गए, फिर सन्नाटा टूटा और क्रिस इंटरव्यू में पास हो गया। पर बुरा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि ये जॉब करने के लिए उसको 6 महीने तक एज अ इंटर्न काम करना था और शुरू के 2 महीने उसे कोई सैलरी नहीं मिलने वाली थी। क्रिस से पूछा गया कि क्या वह रेडी है 2 महीने बिना पैसों के काम करने के लिए। क्रिस ने नहीं सोचा था शुरुआत उसे बिना पैसों के ही करनी पड़ेगी, पर क्रिस ने कोई फाइनल जवाब तब तक नहीं दिया और वो वहाँ से चला गया। उदास मन से क्रिस अपने पड़ोस में रहने वाले एक दोस्त पे गया, जिस दोस्त को क्रिस ने उधार कुछ पैसे दिए हुए थे। क्रिस कई महीनों से उससे पैसे मांग रहा था। आज क्रिस का दिमाग ठीक नहीं था और दोस्त के मना करने पर क्रिस दरवाजे पे खड़े होके जोर जोर से चिल्लाने लगा
मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे और मेरे बच्चे को पैसों की जरूरत है। दोस्त ने दरवाजा बंद कर लिया और कोई जवाब नहीं दिया। क्रिस के पास अब कोई रास्ता नहीं था, तो अगले दिन क्रिस ने स्टॉक ब्रोकर की जॉब के लिए ही हाँ कर दी। हाँ फ्रेंड्स, ये कहानी सच्ची है और सक्सेस से पहले इस इंसान को अभी और कुछ भी झेलना बाकी था। अपने बच्चे को स्कूल से लेकर जब वह शाम को घर पहुंचा, तब मकान मालिक ने उसका सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया था। क्रिस बाहर खड़े होकर चिल्लाता रहा कि वह पैसा चुका देगा, उसके साथ छोटा बच्चा है, उसको घर से मत निकालो, वो इतनी रात को कहाँ जाएगा। मकान मालिक ने पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर क्रिस अपने पड़ोस वाले दोस्त के पास गया और हेल्प के लिए उसने बेल बजाई, लेकिन दोस्त ने गेट नहीं खोला। क्रिस ने बोला, मुझे रात को रहने के लिए जगह चाहिए, घर का किराया देना है, कम से कम मेरे पैसे तो लौटा दो। दोस्त क्रिस के पिछले बर्ताव से गुस्सा था और उसने साफ इनकार कर दिया, कौन से पैसे, और गुस्से में कहा, मैं पुलिस को बुला लूंगा, जाओ यहाँ से। क्रिस को जाना पड़ा। जब काफी रात हो गई तो उसके 5 साल के बच्चे ने पूछा, पापा अब हम कहाँ जाएंगे? पर क्रिस ने कोई जवाब नहीं दिया और रोड पर एक पब्लिक टॉयलेट देख अपने बच्चे को लेके वो वहाँ चला गया। टॉयलेट में उनको कोई सोता देख उन्हें बाहर ना निकाल दे, इसलिए क्रिस ने अंदर से लॉक कर लिया। रात को आते जाते लोगों ने काफी नॉक किया। क्रिस ने अपने बेटे को गोद में सुलाए रखा और आंखों में आंसू लिए दरवाजे पे पैर टिकाए क्रिस खुद रात भर जागता रहा। उसके लिए अब तक का सबसे बुरा वक्त शायद यही था। अगले दिन सुबह अपने बेटे को स्कूल छोड़ के क्रिस अपने ऑफिस पहुंचा और काम शुरू किया। इन 2 महीनों में क्रिस ने बहुत कुछ झेला। वो ऑफिस के बाद बैगर से लड़ झगड़ के लाइन में लगकर शेल्टर रूम में रहता, तो कभी चर्च के बाथरूम में। वो ऑफिस में टेलीकॉलिंग करके क्लाइंट्स बनाता था और कस्टमर बनाने के लिए उसे 2 महीने में कोई भी इंसान नहीं मिला। खर्चा चलाने के लिए एक स्कैनर का ऑर्डर भी आया, पर उसको रिपेयर करने की जरूरत थी, पर क्रिस पे पैसे नहीं थे और उस दिन उसको अपना एक बोतल ब्लड भी बेचना पड़ा। ब्लड बेचकर उसने इंडक्टर खरीदे और मशीन ठीक करके बेची और उसने अपना खर्चा चलाया। बाकी लोग ऑफिस में 7 बजे तक रुकते थे, लेकिन क्रिस को 5 बजे तक अपना सारा काम खत्म करना होता था, क्योंकि उसका बच्चा स्कूल में आखिर कितनी देर तक रहता और फिर रात को सोने के लिए उन्हें लाइन में भी लगना पड़ता था। इसीलिए टाइम बचाने के लिए क्रिस ऑफिस में पानी नहीं पीता था, क्योंकि उसे लगता था कि टॉयलेट जाके उसका टाइम वेस्ट होगा। वो रिसीवर भी नीचे नहीं रखता था, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉल स्टाइल कर सके। क्रिस जैसे 19 और लोग थे जो इस जॉब के लिए उसके साथ दौड़ रहे थे। इनमें से जो भी 6 महीने में सबसे ज्यादा क्लाइंट्स बनाता, ये जॉब उसी को मिलने वाली थी। लेकिन इन 2 महीनों में क्रिस एक भी क्लाइंट नहीं बना पाया था। और 6 महीने के बाद जब रिजल्ट आया, तो क्रिस को बोला गया कि उसने बाकियों के मुकाबले सबसे ज्यादा क्लाइंट बनाए हैं और अब वो स्टॉक ब्रोकर के जॉब का हकदार है। क्रिस खामोश था। किसी ने उससे पूछा, क्या ये सब उतना ही आसान था जितना कि लोगों को लगता है? उसने आंखों में आंसू लिए और खुद को संभालते हुए कहा, नहीं सर, यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस जॉब के बाद क्रिस ने फिर कभी पलट कर नहीं देखा और एक वक्त आया जब उसने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टार्ट की और कुछ ही साल बाद उस कंपनी को क्रिस ने $multi-million में बेचा। ये है आज के एक मल्टी मिलियनेयर क्रिस गार्डनर। इनकी स्ट्रगल और सक्सेस इतनी इंस्पायरिंग है कि इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। फिल्म में विल स्मिथ जैसे सुपरस्टार ने इनका किरदार निभाया है और फिल्म का नाम है